वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड भाई। और आज हम रुके थे मसूरी में और मसूरी से अभी निकल रहे हैं भाई यमुनोत्री के लिए। बहुत लेट हो चुका है, अभी तो 5 बज गया। तो हमारा यही सोच है कि अभी से और भाई सेफ ड्राइव करना भाई। नेक्स्ट टाइम से भाई ऐसा गलती मैं कभी नहीं करूंगा भाई। रात में पहाड़ों में राइट भाई, आज मैं मान गया। मैं सोच रहा था कि कुछ नहीं होगा, चलो चलते हैं बोल के, लेकिन आज मान गया कि भाई पहाड़ों में क्यों रात को ड्राइव नहीं करना चाहिए भाई। इतना मतलब पहला बार आया हूँ तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है मेरे में, तो मैं सोच रहा था कि हाँ चल जाएंगे बोल के, लेकिन जो पत्थर वत्थर गिरे हैं भाई सुबह, मतलब कुछ होता है दिखता है, मतलब अभी तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। मैं सोच रहा था ये लाइट नहीं मारूंगा, किसी को प्रॉब्लम होगा, क्योंकि भाई ये लाइट को जलाना पड़ रहा है बार बार, और ये लाइट के सहारे ही हम लोग जा रहे हैं, नहीं तो भाई कुछ दिखाई ही नहीं देगा। अरे ये देखो क्या भाई, इतना मतलब
कभी कभी मैं राइड नहीं किया था इस रोड पे, फर्स्ट टाइम है, और कभी भी आया नहीं था मैं, ये भी मेरा फर्स्ट टाइम है। और भाई क्या ही नज़ारे हैं भाई, ये क्या है भाई, नहीं आया था, ये फर्स्ट टाइम है मेरा, और किस हिसाब से देख रहा है ना भाई, ना खूबसूरत है भाई, भयंकर रोड है भाई, खराब हो रखी है।
निकल जाओ। और भाई यहाँ का मौसम थोड़ा मतलब यहाँ का मौसम बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। अरे भाई जो स्नो गिरा भाई बहुत ज़्यादा स्नो गिरा था, इसी वजह से हम लोग यहाँ पे रुक गए थे। तो चलो अभी चलते हैं। तो रुके भाई दो ढाई घंटा तो क्योंकि रुक गए थे और अभी निकल गए हैं, क्योंकि भाई रात तक नहीं पहुँचे तो भाई पछताना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि बारिश होना शुरू हो गया और यहाँ का थोड़ा मौसम जल्दी ख़राब होता है, इसी वजह से ये महीना में थोड़ा दिक्कत होता है चार धाम के लिए। ये देखो अरे भाई कहाँ पे बैठोगे, ये देखो फूल है, सब में फूल है, यहाँ पे बैठा दो उसको। हाँ यहाँ पे नहीं बैठा सकते भाई, नहीं होगा, ऊपर बैलेंस नहीं कर पाएगा, फिसल जाएगा। अरे यार पहाड़ के ऊपर हाँ कहाँ बैठा हुआ किसी को, कहाँ पे ये अपना हम तो खुद सुरक्षित नहीं है, हम बच्चे को लेके कहाँ पे जाओगे। हनुमान चट्टी कौन सा है? ये है हनुमान चट्टी प्रेजेंट टाइम ठीक है। नंगे पैर यात्रा करने का तो भाई अभी से भाई चल रहे भगवान की कृपा से, चलो भाई ये तब से हमारा सब साथ है जब से हमने ट्रैकिंग शुरू किया। भाई फाइनली भाई पहुंच गए यमुनोत्री में और ये देखो
माँ का मंदिर भाई, दूर से तो उतना नहीं दिख रहा होगा, आगे जाके आपको दिखाता हूँ। और भाई टाइम तो बहुत हो गया भाई, ये देखो टाइम टाइम तो भाई 9:56 हो गया। तो चलते हैं भाई आगे, क्योंकि टेंट वगैरह लगाना है। नाइट में हम लोग का कैंपिंग करने का प्लानिंग था, इसकी वजह से हम लोग अभी नाइट में ट्रैकिंग कर रहे हैं। भाई मेरा पहला मिशन कंप्लीट हो गया, क्योंकि भाई हमारा ट्रैक था जो यमुनोत्री के लिए, जो टेम्परेचर गिर रहा है ना मत पूछो भाई। कल दोपहर को मतलब आज कल दोपहर को भाई यहाँ पे स्नोफॉल हुआ था, तो क्या पता कल सुबह हमारा नसीब होगा तो हम देख पाएंगे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस। भाई अभी मैं यमुनोत्री में, और ये देखो टाइम 8:28 हो गया। और भाई क्या ठंड है भाई, खतरनाक ठंड है यहाँ पे। देखो मैं सोच रहा था ये टेंट काम देगा कि नहीं देगा, जो रात को टेंट में रुके थे और टेंट काम किया भाई, लेकिन हमारा जो दूसरा टेंट था वो काम नहीं किया। तो जल्दी से उठ के यहाँ से मंदिर उठ के यहाँ से निकलते हैं, नहीं तो भाई बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। आगे जाना है हमको गोमत्री में, तो चलो मिलते हैं आगे। भाई इतना ठंड है ना, क्या ही बोलो। और देखो अब तक सोए हुए हैं, 4 डिग्री भाई, क्या ही ठंड है। चलो अभी भाई नहा धो के फ्रेश धो के मंदिर जाएंगे, और उसके बाद निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है। नहा धो के फ्रेश हो गए और अभी चलते हैं मंदिर की तरफ। और ये भाई जमुना मैया का मंदिर है, जो 4 धाम में से पहला धाम क्या होता है, ये सूर्य कुंड है, सूर्य जमुना मैया, जमुना जी सूर्य पुत्री है, शनि देव यम की बहन है। इस स्थान पे बैठकर जय मुनि नाम के इसने जमुना मैया का तपस्या किया था, माता जी को यहाँ प्रकट किया। माता जी जब प्रकट हुई यहाँ पे, तो माता जी ने कहा, दुर्गम पर्वत शिखर निवासिनी दुर्गति नाशिनी सूर्य सुखे, मैं दुर्गम पर्वत पर रहने वाली हूँ, मेरे भक्तों यहाँ कैसे आएंगे। माता जी ने अपने पिताजी सूर्यदेव की तपस्या किया, माता जी सूर्यपुत्री, सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर माता जी को एक तेज किरण का वरदान दिया, जिसके दबल से कर्म धारा प्रकट हो गया। जमुना जी सूर्यपुत्री है, शनि यमराज की बहन है। जमुना जी के 3 नाम है, जमुना यमुना कालिन, जमुना से उनकी जय मुंडी नाम कृष्ण ने तपस्या किया, यमुना से उनकी यमराज की बहन कालिन दिश ले कलिन करो के मध्य से माता जी की गर्म धारण। जय जमुना मैया, ये सूर्य कुंड है, यमुना जी के पूर्व भाग में सूर्य कुंड है। जैसे भी पुत्री ससुराल जाती है उसे दहेज के रूप में पूछते थे, तो जमुना जी सूर्य पुत्री, सूर्यदेव ने एक तेज करने का वरदान दिया, इसके दौर से एक धारा प्रकट हुई। बोले जमुना भैया, थैंक यू। ये सूर्य कुंड जब होटल वगैरह नहीं था, तो तभी यहाँ पे यात्री लोग आके चावल और आलू पका के यहाँ पे खाना खा के यहाँ यात्रा करते थे। अभी तो होटल वगैरह बन गया, तो उसका प्रसाद भी यहाँ पे मिलता है अभी भी, चावल और भाई आलू, जो आलू स्टोरीज कुछ ऐसा है कि जब यमराज जी को छाया का दोष लगा था, तभी यमुना जी ने उनका छाया का दोष को यहाँ पे तप करके वो निवारण किया था। उसके लिए यहाँ से यमराज जी मतलब माँ यमुना जी को वरदान दिए थे कि उनका जल को जो पान करेगा वो वैकुंठ को प्राप्त होगा। इसलिए यहाँ का मान्यता बहुत मान्यता है, और
भाई भैया दूज को जो यहाँ पे नहाएगा तो स्टोरी है कुछ। अगर गिरे खत्म। तो अभी बंद करने का टाइम हो गया ना, क्योंकि कपाटा भी बंद होगा, तो भाई इसलिए सबको ही बंद करके सबको ही जा चुके हैं, आधा अधूरा लोग बचे हैं। लोग आगे यमुनोत्री से, और भाई क्या ही ठंड है भाई, पूरा माइनस से माइनस था पूरा आ जाने के टाइम। और भाई रास्ता में भाई हमारे गोप्रो का चार्ज ख़त्म हो गया, तो इसी वजह से, और वहाँ पर लाइटें नहीं थी, तो इसी वजह से हम भाई चले आए वहाँ से, अभी बारकोड में है। अभी भाई कुछ मैं बात बोलना चाहता हूँ भाई, कि भाई जो कोई भी धाम पे जा रहा है भाई, उतना भाई क्यों गंदगी करते हो भाई, क्यों गंदगी करते हो, प्लास्टिक की चीज़ें ऐसे भी चीज़ें भाई बहुत ख़राब लगता है, इसी के लिए भाई बोल रहा हूँ भाई, जो कोई भी जा रहा है भाई, थोड़ा प्लीज़ भाई उस चीज़ को, मतलब आप लोग थोड़ा ना मतलब ध्यान दिया करो, और भाई वहाँ पर गंदगी मत करो भाई। तो चलो, क्योंकि भाई भी थक चुके हैं पूरा भाई, सब कोई तो क्या है भाई, बाजार मैं नहीं गया क्योंकि आज थोड़ा मेरे को अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए मैं रुक गया। तो चलो मिलते हैं दूसरा ब्लॉग में भाई, और भाई भाई का चैनल को सब्सक्राइब करना, और भाई शेयर करना, और भाई चलो मिलते हैं दूसरा ब्लॉग में।